दोस्तों अयोध्या के राम मंदिर का काम तेजी से चल रहा है। रामलल्ला की प्रतिमा को लेकर भी लोगों में उत्साह दिख रहा है। मंदिर में रामलल्ला की मूर्ति 6 करोड़ साल पुराने शालिग्राम पत्थर से तैयार की जाएगी, जो नेपाल की गढ़की नदी से लाए जा रहे हैं। ये पत्थर 2 टुकड़ों में है और इन दोनों शिलाखंडों का कुल वजन 127 क्विंटल है। बता दे, इसी पत्थर से हिंदू घरों और मंदिरों में पूजे जाने वाले ठाकुर जी बनते हैं। सबसे पहले पूजा पाठ कर इन शिलाखंडों को गढ़की नदी से निकालकर नेपाल के जनकपुर लाया गया, जहां के मुख्य मंदिर में पूजा अर्चना की गई। विशेष पूजा के बाद इन शिलाखंडों को भारत लाया जाएगा और 31 जनवरी तक ये शिलाखंड गोरखपुर के गोरक्षकपुर लाए जाएंगे। शास्त्रों के मुताबिक शालिग्राम में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का जिक्र भी किया गया है, इसलिए इन शिलाखंडों को बहुत ही खास माना जा रहा है, क्योंकि इनका संबंध भगवान विष्णु से है। इन पत्थरों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिर्फ गढ़की नदी में ही पाए जाते हैं। हिमालय के रास्ते में पानी चट्टान से टकराकर इन पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और नेपाल के लोग इन पत्थरों को खोजकर निकालते हैं और इनकी पूजा करते हैं। मान्यता के अनुसार 33 तरीके के शालिग्राम होते हैं। शालिग्राम का पत्थर भगवान विष्णु के 24 अवतारों से जोड़ा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में शालिग्राम का पत्थर होता है, उस घर में सुख शांति, आपसी प्रेम और माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। आपको बता दें कि भगवान राम लल्ला की मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी प्रख्यात चित्रकार वासुदेव और पद्म भूषण शिल्पकार राम वंजी सुथार को दी गई है। वहीं तकनीकी विशेषज्ञ और मंदिर बनाने वाले वास्तुकार भी मूर्ति के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। बता दें कि रामलल्ला की मूर्ति 5 से 5.5 फीट की बाल स्वरूप की होगी। मूर्ति की ऊंचाई इस तरह तय की जा रही है कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे रामलल्ला के माथे पर पड़े। ये अपने आप में अद्भुत होगा, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि देश और दुनिया की तमाम अनोखी खबरें हम आपके लिए लाते रहें।